गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपके दोस्त आपके लाइफ का कोच आज एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाजिर हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे कि आज जो हम अपने मोबाइल फोन यानी कि टेलीफोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, हमारे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि टेलीफोन या फिर सेल फोन हमारी जिंदगी बन चुकी है। आज हर इंसान बिना फोन के नहीं रह सकता। आखिरकार उसका आविष्कार कैसे हुआ, उसकी आविष्कार में क्या क्या दिक्कतें आई और किसने उसका आविष्कार करा, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इंग्लैंड में जन्मे और अमेरिका में रहने वाले जो वैज्ञानिक थे, कहने का मतलब ये है कि जो वैज्ञानिक जिन्होंने इसका आविष्कार किया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उनका जो जन्म है वो इंग्लैंड में हुआ और वह अमेरिका में रहते थे। वो पहले क्या करते थे कि जो बहरे बच्चे होते थे उनके लिए एक मशीन होती थी, अगर आपने देखा होगा, अभी भी बहुत से लोग जो सुन नहीं पाते अच्छे तरीके से, उनके कान में एक मशीन लगा दी जाती है जिससे उनको आसानी होती है कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है और सामने वाले व्यक्ति को सुनने के बाद वह फिर अपनी तरफ से जवाब दे देते हैं। तो जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे, ऐसे बच्चों को उस मशीन के द्वारा सुनने की और बोलने की कला या फिर जो टेक्निक है उसको सिखा रहे थे, उस मशीन का यूज सिखा रहे थे। फिर उन्होंने एक दिन एक प्रयोग किया तो उन्हें पता चला कि चुंबकीय जो क्षेत्र होती है, जहां मैग्नेट होती है, वहां का एक जो चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है उसमें एक लोहे की पत्ती जो कंपन करती है, उस कंपन की ध्वनि को वो तार के द्वारा आगे प्रसारित करती है, यानी कि दूसरे जगह पे उसको पहुंचाती है। जब उन्हें ये बात पता लगी तो उन्होंने अपने सहयोगी वाटसन नाम के एक व्यक्ति थे जो उनके सहयोगी थे, उनके साथ मिलके एक छोटा सा टेलीफोन के जैसा उन्होंने बनाया जो तार से सिस्टम था। आपने देखा होगा बहुत पुराने जमाने में हम बचपन में खेलते भी थे, क्या करते थे कि एक तार लगा देते थे और दोनों तरफ एक कटोरी या फिर कोई प्लास्टिक का कुछ लगा देते थे और एक बंदा उसमें बोलता था तो दूसरा अपने कान में लगाता था। तो उसी तरह का उन्होंने एक टेलीफोन टाइप से एक गैजेट उन्होंने बनाया और वाटसन को एक दूसरे कमरे में भेज दिया और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल खुद एक दूसरे कमरे में चले गए और फिर उन्होंने एक दूसरे से बात करने की कोशिश करी उस यंत्र के द्वारा। तो पहली बार जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने उस टेलीफोन में, यानी कि आप कह सकते हैं कि पहली बार जो टेलीफोन में जो बोले गए जो शब्द थे वो ये थे कि जो ग्राहम बेल ने वाटसन से कहा, हेलो वाटसन आप यहाँ आइए। कहने का मतलब उन्होंने ये कहा कि हेलो वाटसन आप यहाँ आइए, ये टेलीफोन में कहने वाला सबसे पहली जो लाइन थी वो ये थी। इसके बाद यही चीज 1875 में सक्सेस हुई और एक टेलीफोन का आविष्कार हुआ जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पे हुआ। 1876 में उन्होंने उसका पेटेंट ले लिया और 1870 में उन्होंने बेल का टेलीफोन कंपनी के नाम से उन्होंने एक अपनी संस्था खोली। उसके बाद धीरे धीरे जो लोग दूसरे जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे उन्होंने धीरे धीरे उसमें और काम किया और उसको और इजी बनाते गए। उसके बाद हमारे पास टेलीफोन आए, वायरलेस टेलीफोन आए और आज आप देख सकते हैं कि हमारे पास आज के टाइम पर जो फोन है वो कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। तो इसमें कहीं ना कहीं कई लोगों का हाथ है और ग्राहम बेल के तो हम मानना पड़ेगा कि वह एक जीनियस थे जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दी, एक बड़ी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी दी। तो दोस्तों आपके वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।